भावों की हम शांति क्रांति चिंगारियां कर देंगी उद्धार विश्व का भारत की हमारिया। बहुत बढ़िया, क्या बात। हमने जन्म से यही सुना है, गायत्री परिवार का एक भजन है, मैंने मेरी माँ के मुख से यही सुना है, इसी को जिया है और इसी को किया है। ये कहने के पीछे मेरा आशय ये है कि हम जैसा वातावरण निर्मित करते हैं वैसा ही हमारे आसपास का परिवार का वातावरण बन जाता है। मैं नमन करती हूँ दिव्य मंच जिस पर आसीन आज की मुख्य वक्ता रुचि गुप्ता जी, वो अपने आप में शक्ति हैं और विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना कार्य संपादन किया है, समाज के लिए मिसाल बनी है। हमारे इस कार्यक्रम की तीनों दिव्य संयोजिकाएं सीमा जी, नर्मदा जी, गिरजा जी, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, मैंने अभी रोजी जी के मुँह से सुना, अच्छा लगा। पूरे एक महीने भर का जो दृश्य आपके सामने आया और हमारे सम्मुख बैठी परम आदरणीय डॉक्टर ममता सिंह दीदी, प्रतिभा तिवारी दीदी, मैं ममता दीदी की इतनी बड़ी फैन हूँ कि मुझे आज दुख हुआ कि मन को सुन नहीं पाई। और हमारे सम्मुख उपस्थित देवियाँ, हमारी बहनें, बच्चियाँ, हमारे सतबंधु और वे भ्रातागण जो हमारी मातृ शक्तियों को लेने या छोड़ने आए हैं इस कार्यक्रम में सहयोग किया। मेरे सामने विषय है कि भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। अभी आपने रोजी बग्गा जी को सुना और निश्चित रूप से विगत में क्या हुआ भारतीय अध्ययन में, भारतीय चिंतन में महिलाओं की भूमिका को आपने आदरणीय ममता दीदी को, प्रतिभा दीदी को सुना होगा। वो विषय आपके सामने है, उसकी पुनरावृत्ति ना करते हुए जो ये कार्यक्रम है इसके हम मूल विषयों पर आए, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि समय के अधिकता होने से हमारी बहनों को घर जाने की जल्दी है और उसको मैं गलत भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनका दोहरी जिम्मेदारी है, उन्हें परिवार भी देखना है, व्यवस्थाएं भी देखनी है और उसके बाद आज जो समाज का काम करने निकली है तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी देखनी है। ऐसी दुविधा में मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, फिर भी मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि चूंकि हमें हमारी ही बात करनी है तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है अगर बहनें पंडाल में आ जाएंगी तो उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। विकास मतलब क्या, भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका मतलब क्या, ये सारे वो विषय हैं जिन पर हमको विचार करना है। क्या अकेला हमने आर्थिक विकास किया और उससे भारत का या विश्व का विकास होगा, ये संभव है? क्या हमने शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया और हमने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, क्या ये विकास अकेला संभव है किसी भी उन्नत कार्य के लिए? भारत में विकास में महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? शरीर का विकास